महादेव नमः। मैं राधिका नंदन आप सभी मित्रों का फिर से इस महादेव संस्कृत यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन करता हूँ। हम लोग संपूर्ण संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में इस समय हम लोग संस्कृत सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं। सामान्य ज्ञान का दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग बंधु बांधवा नाम नामानी पढ़ेंगे, अर्थात बंधु बांधव के संस्कृत में नाम पढ़ेंगे क्रम से। स्लाइड में दिख रहा होगा बंधु बांधवा नाम नामानी, बंधु बांधवों के नाम, बंधु बांधवों के नाम देख लीजिए। ये है इसका ये हिंदी में है नाम और उसका संस्कृत अनुवाद है। जैसे अतिथि, अतिथि था जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि है उसको बोलते हैं अतिथि अभ्यागता, पुल्लिंग शब्द है अतिथि और अभ्यागता। पिता को बोलेंगे जनका, पिता जनका ताता, चाहे पिता बोलें चाहे जनका बोलें चाहे ताता बोलें, पिता जनका ताता। आगे देखिए अम्मा, अम्मा को कहते हैं अम्बा, अम्मा अम्मा को कहते हैं अम्बा माता जननी। और भाई को कहते हैं भ्राता, पुल्लिंग शब्द है भ्राता। बड़ा भाई को कहते हैं अग्रजा, बड़े भाई को क्या कहते हैं अग्रजा। छोटे भाई को अनुजा, सगे भाई को सहोदरा सहोदरा। और चचेरा भाई को कहते हैं पितृव्य पुत्रः पितृव्यजः, पितृव्य पुत्रः और पितृव्यजः। और ममेरे भाई को कहते हैं मातुल पुत्रा मातुलेया, मातुल पुत्रा और मातुलेया। फिर आगे यदि हम देखें आगे देख लीजिए मेरा भाई को क्या बोलते हैं मातुल पुत्रा मातुलेया। फुफेरे भाई को पैतृस्य स्त्रिया पैतृस्य विषया। मौसेरे भाई को मातृस्य स्त्रिया मातृस्य सेया। सौतेला भाई विमातृजा विमातृजा। बहन को बोलते हैं भगिनी स्वासा सोदरिया, भगिनी स्वासा सोदरिया। और बड़ी बहन को बोलते हैं अत्रिका अग्रजा, अत्रिका या अग्रजा। छोटी बहन को बोलेंगे अनुजा, छोटी बहन को क्या बोलेंगे अनुजा। और सगी बहन को बोलेंगे सहोदरा, सगी बहन को क्या बोलेंगे सहोदरा। पति को बोलेंगे पति ही भर्ता वरह, पति भर्ता वरह। और पत्नी को बोलेंगे अर्धांगिनी पत्नी भार्या, अर्धांगिनी पत्नी भार्या या जाया। और चाचा को बोलेंगे पितृव्याः तातकाः, पितृव्याः तातकाः। चाची को बोलेंगे पितृव्याः पितृव्याणी पितृव्य पत्नी। बड़े पापा को बोलते हैं प्रतातः ज्येष्ठ ताता। बड़ी अम्बा को बोलते हैं ज्येष्ठाम्बा अम्बाला प्राम्बा, ज्येष्ठाम्बा अम्बाला प्राम्बा। अम्मा मामा को बोलते हैं मातुला, मामी को बोलते हैं मातुली मातुलानी। और फूफा को बोलेंगे पितृस्य सुपति पितृस्य सुपति। अब बुआ को बोलेंगे या फूफू को बोलेंगे, बुआ या फूफू जिसको आप कहते हैं उसको हम बोलेंगे पित्र पितृस्वसा पितृस्वसा। मौसा जी को बोलेंगे मातृस्व सरपति ही मातृस्व सरपति ही। फिर मौसी को बोलेंगे मातृस्वसा मातृस्वसा मातृस्वसा। भौजी को बोलेंगे भातृजाया प्रजावती भाग भामिनी, भातृजाया प्रभावत प्रजावती भामिनी। और साले को बोलेंगे श्याला श्याला। साला पुत्र को बोलेंगे श्यालजा श्यालजा। सरहज को बोलेंगे श्यालिनी श्याल पत्नी। शाली को बोलेंगे श्याली श्यालिका श्यालिया श्यालिका। आगे देख लें
अब शाली को क्या बोलेंगे, श्याली या श्यालिका। साढ़ू को बोलेंगे शालीपति सढ़ोका, शालीपति अथवा सढ़ोखा। बहनोई को बोलेंगे आवृत्ता भगिनीपति, आवृता या भगिनीपति। देवर को बोलेंगे देवराह देवा, देवरानी को बोलेंगे याता याता, देवरानी को क्या बोलेंगे याता। देखिए जेठ को बोलेंगे ज्येष्ठा पत्यग्रजा, ज्येष्ठा पत्यग्रजा। जेठानी को बोलेंगे ज्येष्ठा, ननद को बोलेंगे ननांदा, नंदोई को बोलेंगे ननांद्रपति ननांद्रपति, शमधी को बोलेंगे शमधी, शमधिन को बोलेंगे संबंधिनी संबंधिनी। आगे देख लें, ये देखिए अब सास को बोलेंगे शश्रुः, ससुर को बोलेंगे शशुरः, दामाद को बोलेंगे जामाता, पतोहु को बोलेंगे पुत्रवधूः स्नुषः, बेटा पुत्रः तनयः सुतः आत्मजः, सगा बेटा औरसा उरस्याः, औरसा और उरस्या। बेटी को पुत्री तनया सुता आत्मजा, पुत्री तनया सुता आत्मजा। उसके बाद देवता या नाना का नाती होगा दौहित्राह नपताह, देवता जिसको नाना का नाती बोलते हैं उसको दौहित्रा या नपता बोलेंगे। देवती नाना की नतिनी, दौहित्री नपत्री, और पोता को बोलेंगे पौत्राह, पोती को बोलेंगे पौत्री ही, पर पोता को बोलेंगे प्रापौत्राह, पर पोती को बोलेंगे प्रापौत्री। भतीजा को बोलेंगे भातृव्या, भारतव्या, भारत भारतजा भातृया। भतीजी को बोलेंगे भारत भारत सुता, भारतव्या भारतजा। और आगे देख लें, भतीजी को बोलेंगे भारत सुता, भारत सुता, भारतव्या भारतजा। भांजा को बोलेंगे भागिनेयः स्वस्त्रियः, भांजी को बोलेंगे भागिनेयी स्वस्त्रियः। बाबा को या दादा को बोलेंगे पितामह, दादी या दाई अथवा दादी को बोलेंगे पितामही, पितामही संस्कृत में। आगे देख लें, आगे देखिए परदादा को क्या बोलते हैं, देख लें परदादा। देखिए परदादा को हम बोलेंगे प्रपितामह, प्रपितामह। परदादी को बोलेंगे प्रपितामही। नाना को बोलेंगे मातामह, नानी को बोलेंगे मातामही। पर नाना को बोलेंगे प्रमातामह, पर नानी को बोलेंगे प्रमातामही। यार या प्रेमी को बोलेंगे जारह उपपति प्रेमी, प्रेमिका को बोलेंगे प्रेमिका उपपत्नी, प्रेमिका उपपत्नी। देख लें यहाँ से, यार को बोलेंगे जारह उपपति प्रेमी, प्रेमिका को बोलेंगे प्रेमिका उपपत्नी। दोस्त को बोलेंगे सखा मित्रम वयस्या, वयस्या सुहृद या साथी। सहेली को बोलेंगे साली ही, वयस्या सखी सहचरी, वयस्या सखी सहचरी। आगे देखिए और शब्दों को देखें, मालिक को बोलेंगे स्वामी, नौकर को बोलेंगे भृत्या सेविका परिचारिका, नौकरानी को बोलेंगे भृत्या सेविका परिचारिका। आदमी को बोलेंगे मनुष्यः नरा मानवा, मर्द को बोलेंगे पुरुषः, महिला को बोलेंगे महिला
ललना नारी स्त्री, और औरत को बोलेंगे महिला, औरत को क्या बोलेंगे महिला, देख लीजिए, औरत को हम बोलेंगे महिला, जवान स्त्री को बोलेंगे युवती युवती ही, कामेच्छु स्त्री को बोलेंगे कामुकी, प्रेमी से मिलने वाली स्त्री को बोलेंगे अभिसारिका, जिसका पति मर गया हो विधवा मृत भर्त का, जिसका पति जीवित हो सधवा सनाथा सौभाग्यवती, सधवा सनाथा सौभाग्यवती। आगे देख लें, जिसकी पत्नी मर गई हो विधुरा है, जिसकी पत्नी जीवित हो सपत्निका है, स्वयं पति को चुनने वाली स्वयंवरा है, सुहागिन स्त्री सौभाग्यवती स्त्री, पतिव्रता स्त्री पतिव्रता साध्वी सच्चरित्रा, वेश्या वेश्या गणिका पर्यांगना पर्यांगना, कुमारी कन्या का पुत्र कानीना, खानदानी सगोत्रा, पति पत्नी दंपत्ति, रिश्तेदार संबंधी ज्ञाति या बंधु दुलारा प्रिया, दुर्लालिता। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम लोग पशु नाम नामानी पढ़ेंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, शीघ्र नए विषय के साथ मिलते हैं।